हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीकानेर में लगातार बारिश से जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शनिवार रात से बीकानेर में लगातार बारिश हो रही है। शनिवार शाम से लेकर अब तक 107 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश के चलते श्री कोलायत क्षेत्र के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। श्री कोलायत कपिल सरोवर लबालब हो गया है, वहीं गांव के तालाब लबालब हो गए हैं। जल स्वावलंबन के दौरान बनाए गए पोखर तालाब कुएं में अच्छी पानी की आवक हुई है। जिले के कई गांव में भी खेत जलमग्न हो गए हैं। गांव और शहर के निचले इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। उधर पुरानी गिनानी में पानी भर जाने से किले की दीवार तोड़कर पानी का रास्ता बनाया गया। शहर के कई मकानों को इस बारिश से नुकसान हुआ है। इस दौरान 2 से 3 दीवारें और 1 मकान ढहने की खबर है। हालांकि कोई जनहानि के समाचार नहीं है। रेलवे की पटरियों पर भी पानी आया है। बीकानेर में भारी बारिश की चेतावनी के बाद भी नगर निगम की कोई माकूल व्यवस्था नहीं की गई है। व्यवस्था गड़बड़ाई है। 12 ट्रेनें हुई लेट। 7 सूरतगढ़ जयपुर और अनूपगढ़ सूरतगढ़ पैसेंजर ट्रेन को आउटर सिग्नल पर ही 40 मिनट रोका गया है। ये जानकारी बीकानेर के DRM अनिल दुबे ने दी है। बीकानेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।